हेलो गाइस, तो आज हम बनाएंगे हेक्साजोन बॉक्स का शेकर कवर। उसके लिए हम यूज़ करेंगे फोम टेप, और हम इस फोम टेप को जल्दी जल्दी फटाफट से चारों साइड अच्छे से लगा देंगे। थोड़ा फिनिशिंग से लगाएंगे क्योंकि ये बहुत चिपकता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देकर लगाइएगा ना इसको। आप इसमें ना फोम टेप ये वाला यूज़ कीजिए, ये थोड़ा सा पतला रहता है, तो इससे शेकर कार्ड बहुत अच्छे से फिनिशिंग से बन जाता है। उसके बाद मैंने ये ट्रांसपेरेंट शीट यूज़ की है, जो कि A4 साइज़ में अवेलेबल हो जाती है मार्केट में बहुत ईजीली। मैंने फिर इसके ऊपर इस बॉक्स के ऊपर रख के उसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने कट कर दिया। आप इसका मेजरमेंट लगा के भी कट कर सकते हैं, बट मुझे अर्जेंट ऑर्डर था, ये टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैंने इसके ऊपर ऐसा ही रख के इसके अकॉर्डिंग कट कर लिया, जो कि ये जल्दी हो गया। फिर इसमें मैंने काफ़ी सारे स्टार्स डाले जो कि शेक करने में बहुत अच्छे लगेंगे। अब शेकर कवर बन रहा है तो उसमें शेक करने के लिए स्टार्स तो डालने ही होंगे। उसके बाद मैंने ये ट्रांसपेरेंट शीट इसमें अच्छे से कर दी। थोड़ा सा आप इसको ध्यान से चिपकाइएगा, क्योंकि अगर ये इधर उधर चिपक गई तो फिर कट करनी पड़ जाएगी। उसके ऊपर फिर मैंने पेपर चिपकाने के लिए टैकी टेप यूज़ किया है। आप फेविकोल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो काफ़ी टाइम तक स्टिक नहीं होता है, तो मैं मोस्टली ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर टैकी टेप ही यूज़ करती हूँ। वैसे मैं कार्ड बनाने के लिए भी काफ़ी बार टैकी टेप ही यूज़ करती हूँ, आप मेरे वीडियोज़ में देख चुके होंगे। इससे बहुत फिनिशिंग से होता है, बस इसके ऊपर चिपकाने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इधर उधर चिपक गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि मैं भी बहुत केयरफुली चिपकाती हूँ, इधर उधर मुझसे भी काफ़ी बार हो चुका है। चलो, ये तो हमने चिपका लिया, अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर डेकोरेट करने के लिए मैंने एक बो बनाया है, जो कि मैंने A4 साइज़ का ये प्रिंटेड शीट ली। आप कोई भी कलर ले सकते हैं, ऑप्शनल है ये। उसके बाद मैंने इसको रफली बो के अकॉर्डिंग कटिंग कर ली है, आप देख सकते हैं इसमें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं क्या ऐसे रफली कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा इधर उधर करके कटिंग कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैंने इसे फेविकोल से अच्छे से स्टिक कर लिया है। फेविकोल से थोड़ा सा स्टिक होने में टाइम लगता है, तो बी पेशेंस, वो चिपक जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है उसको। अब इसके ऊपर थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैंने ग्लिटर सिल्वर कलर की फोम शीट यूज़ की है। फिर मैंने इसको फेविकोल से इसको भी स्टिक कर दिया इसके ऊपर। ये जैसे कि मैंने बताया था, ये स्टिक होने में टाइम लेता है, तो मैंने इसे चिमटी से थोड़ी देर सूखने के लिए, जैसे ये सूख जाए तो मैंने स्टिक करके इसके ऊपर चिमटी लगा के रख दिया है। आफ्टर 5-10 मिनट्स के बाद आप इसको देखेंगे तो ये अच्छे से स्टिक हो चुका होगा। फिर मैंने इसको फिर से ग्लू करने के लिए मैंने फेविकोल वगैरह यूज़ नहीं किया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर फेविकोल से अच्छे से स्टिक नहीं होता, तो मैंने यहाँ पे भी टैकी टेप यूज़ किया है। अब ये हमारा बन के कम्प्लीट, तो मुझे थोड़ा सा ये इनकम्प्लीट लग रहा था, तो कस्टमर ने वैसे भी नेम बोला था यहाँ पे डालने के लिए, तो ये एक्रेलिक कटआउट है, ये इजीली अवेलेबल हो जाता है। अगर आपको नहीं मिल रहा है कहीं से, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपको मेरे पास से सारे कटआउट्स अवेलेबल हो जाएंगे। अब ये बन के हो गया कंप्लीट। अब जल्दी से बताइए कैसा बना है।